एपिसोड लेट है पर ग्रेट है। ग्राफिक डिजाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज फोटोशॉप के इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप के जबरदस्त फीचर 3D के बारे में। जैसे जैसे फोटोशॉप अपडेट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। 3D मैक्स माया या फिर 3D से रिलेटेड जो एडवांस सॉफ्टवेयर्स है, उनके सारे फंक्शनलिटीज धीरे धीरे फोटोशॉप में नजर आने लगे हैं। फोटोशॉप के रिसेंट अपडेट में भी कई सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है और आज हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। बहुत सारी 3D से रिलेटेड ऐसी चीज़ें हैं जो आज इस एपिसोड में कवर होने वाली है। फॉर एग्जांपल, लाइटनिंग किस तरह से की जाए, शेडोज़ किस तरह से एडजस्ट करने हैं, टेक्सचर्स किस तरह से अप्लाई करने हैं किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर, और भी कई सारी बातें हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड है। तो गाइस, कहने के लिए बहुत कुछ है, करके दिखाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं एक इमेज इंपोर्ट करने वाला हूँ। ये एक सिंपल सा वुडन टेक्सचर वाली इमेज मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली। अब मुझे यहाँ पर कोई और एक ऑब्जेक्ट चाहिए ताकि मैं ये 3D के फंक्शंस आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो यहाँ पर मैं, चलिए, मेरा लोगो इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ से बैकग्राउंड में डिलीट करता हूँ। मेरे पास है इमेज और मेरा लोगो जो है वेक्टर फॉर्मेट में। फोटोशॉप में आपको मेनू बार में 3D का फंक्शन नज़र आएगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वैसे इनमें से कई सारे फंक्शंस मैं बाद में आने वाले एपिसोड्स में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट है वो हम पहले सीख लेते हैं ताकि कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब ये फ्लैट सरफेस है, 2D सरफेस, लेकिन अब हम फोटोशॉप की मदद से इसे पूरी तरह से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3D के फंक्शंस को यूज़ करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, इमेज पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके मैं कहता हूँ पोस्टकार्ड। पोस्टकार्ड जब मैं क्लिक करता हूँ तब देखिए क्या होता है। मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो जो हमारा बैकग्राउंड का इमेज था वो एक 3D स्पेस में रोटेट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, एक पेपर की तरह या फिर सिंपल से एक पोस्टकार्ड की तरह। और दूसरा तरीका यूज़ किया जाता है जब आपको किसी चीज़ को डेप्थ प्रोवाइड करनी हो। जिस तरह से इस पोस्टकार्ड को कोई डेप्थ नहीं है, देखिए ये एक फ्लैट है, सरफेस है, बस वो 3D स्पेस में रोटेट हो रहा है। तो अगर आपको, मान लीजिए इस लोगो को मुझे डेप्थ देनी है, तो मैं इस लोगो को सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके कहता हूँ न्यू 3D एक्सट्रूजन फ्रॉम सेलेक्टेड लेयर। तो इसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो देखिए इस तरह से डेप्थ मेरे लोगो को आ गई है। इस डेप्थ को मुझे मैनेज करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर ये जो डेप्थ का बार है उसे एडजस्ट करूँगा लाइक दिस, और ये आप किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं। बहुत आसान सी चीज़ है। जब आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो तो इस तरह से आपको एक्सिस मिलते हैं। वाई एक्सिस आपको आपकी इमेज या ऑब्जेक्ट को अप डाउन करने के लिए काम में आता है 3D स्पेस में। ये वाला एक्सिस आपको फ्रंट बैक के लिए काम आएगा, और उसी तरह से ये वाला लेफ्ट राइट करने के लिए काम आएगा। अगर आपको स्केल करना है तो यहां पर ये जो येलो बॉक्स है उसे सेलेक्ट कीजिए और ड्रैग कीजिए, आपका ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्लिक करके आपको हमेशा इस तरह से ड्रैग करना है ताकि आप पोजीशंस की अच्छे से देख सको। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा, और अगर बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड भी रोटेट हो जाएगा। ऐसी गड़बड़ ना हो इसलिए अच्छा है कि आप राइट हैंड साइड में यहाँ पर कहीं क्लिक कीजिए और फिर सारा एक साथ मूव कीजिए। ऊपर की तरफ कुछ आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे जो आपको कैमरा एंगल सेट करने में या फिर रोटेट करने में, मूव करने में मदद करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब देखिए ये मुझे इस तरफ लेना है तो मैं यहाँ पर मूव टूल जो है उसे सेलेक्ट करूँगा और इस तरह से मूव करूँगा। अगर मुझे रोटेट करना है तो मैं रोटेट टूल लूँगा और रोटेट करूँगा। उसी तरह से इस तरह से कैमरा शिफ्ट मैं कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इस तरह से जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ।
ये कैमरा के एंगल्स है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये टूल्स धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। जो कुछ भी प्रॉपर्टीज इस पर अप्लाई हो चुकी है वो आपको यहां पर नजर आएगी इस 3D पैनल में, और इनके प्रॉपर्टी के डिटेल्स आपको ऊपर की तरफ प्रॉपर्टी सेक्शन में नजर आएंगे। इस ओम लोगो में जो जो मटेरियल यूज किया गया है उसके सारे डिटेल्स यहां पर हैं, जिन्हें आप मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी को एडजस्ट करना है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और यहां पर चेंजेस करेंगे, जैसे कि शाइन है, रिफ्लेक्शन है, रफनेस है, बम्प है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तभी समझ में आएगा। 3D फंक्शन फोटोशॉप का चलाने के लिए ध्यान में रखिए आपका PC हाई एंड होना चाहिए, एटलीस्ट वो 3D की फैसिलिटी हैंडल कर सके इतना उसमें पावर होना चाहिए, अदरवाइज आपका PC पूरी तरह से हैंग हो जाएगा या फिर बहुत स्लो चलेगा या गर्म हो जाएगा। मेरा PC अच्छा खासा है, इस वजह से ये सारे फंक्शंस बहुत ही स्मूथली चलते हैं। इतना अच्छा खासा होने के बावजूद ये रेंडर होने में बहुत टाइम लेता है। अब ये रेंडर होना क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर आप जो कोई भी चेंजेस करते हैं, जो कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं, वो इफेक्ट को रिफाइन करना यानी रेंडर है, फिनिशिंग टच देना यानी रेंडर है, छोटी मोटी गलतियाँ जो रह जाती है टेक्निकली उन्हें क्लीन करके एक फाइनल आउटपुट देना यानी रेंडर है। फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पर थोड़े से चेंजेस किए थे, चलिए इसका कलर चेंज करते हैं, अभी वाइट है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक एक चेंज करने के बजाय मैं इन चारों को सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ पीछे का कलर जो है वो चेंज करना है। तो मैं डिफ्यूज़ में जाता हूँ और कोई दूसरा कलर यहाँ पर चूज़ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए ये वाला थोड़ा सा ब्लूइश ग्रे रखते हैं और ओके करता हूँ। अब मुझे रेंडर करना है ताकि इसका फाइनल आउटपुट कैसा नज़र आएगा ये मुझे देखना है, तो इसलिए मैं जाता हूँ 3D में, रेंडर में मत कीजिए, बहुत देर लेगा ये, बहुत वक्त लेगा रेंडर होने में। मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है रेंडर इन प्रोसेस। PC थोड़ा अच्छा खासा है इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो रहा है मेरा, बट देखिए क्या हो रहा है, चेंजेस कैसे हो रहे हैं। देखिए ये धीरे धीरे ये ब्लू लाइन्स आपको इंडिकेट करते हैं कि रेंडर कौन से एरिया में हो रहा है, क्या क्या चल रहा है यहाँ। ये धीरे धीरे फाइनल टच देता है आपकी इमेज को या फिर आपके जो भी आपका आर्ट बोर्ड पर मौजूद है ऑब्जेक्ट उसको। अब ये रेंडर करने के लिए बहुत वक्त लेता है, हो सकता है आपका PC थोड़ा स्लो हो, ज़्यादा हैंग हो जाए, गर्म हो जाए, इसलिए मेरे पास एक सजेशन है आपके लिए, बेटर है पहले सारे इफ़ेक्ट्स दे दीजिए और फिर एंड में उसको रेंडर पे लगाइए, ताकि आपका काम बीच में ना रुके। देखिए अभी ये रेंडर हो जाएगा थोड़ी देर में, तो आपका PC हैंग ना हो इसलिए मेरे पास सजेशन ये है कि आप ये वाला सिलेक्शन टूल ले, रेक्टेंगल वाला, और आपके ऑब्जेक्ट का कोई एक एरिया पिक कीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, या फिर कोई भी ये वाला पकड़ते हैं और उसे सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और R दबाइए, जो कि शॉर्टकट है इसका रेंडर 3D लेयर का। तो सिर्फ इतना पोर्शन रेंडर होगा और आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आपने जो इफ़ेक्ट अप्लाई किया है आपके ऑब्जेक्ट पर वो किस तरह से नज़र आएगा जब वो रेंडर होके आपके सामने आएगा। इससे क्या होता है कि आपका रेंडर का प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी होता है, आपके PC पर उतना लोड नहीं आता। देखिए स्मूथनेस यहाँ से है, अच्छा लग रहा है। मैं बस यहाँ पर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आपको इससे भी अच्छे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि रेंडर पूरा करने से अच्छा है कि आप कोई छोटा सा कॉर्नर रेंडर करके देखें और एक अंदाज़ा लगाए कि आगे क्या हो सकता है, ताकि आपका PC भी हैंग ना हो और आप अच्छे से काम भी कर सको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो कोई भी हम चेंजेस करते हैं, रोटेट करना वगैरह, हो सकता है आपसे कुछ गड़बड़ी हो जाए इस तरह से, तो डरिए मत। यहाँ पर व्यू ऑप्शन है, व्यू ऑप्शन में आप डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करते हैं तो फ्लैट सरफेस पर आ जाता है, तो इस तरह से एक डिफ़ॉल्ट लेआउट में वो आ जाता है जैसे पहले था। अगर आप इसका लेफ्ट एंगल देखना चाहते हैं तो लेफ्ट पर क्लिक कीजिए,
डेप्थ थोड़ी सी कम करता हूं, यहां पर क्लिक करता हूं करंट व्यू पे। अगर राइट देखना चाहते हैं तो राइट पर क्लिक कीजिए, अगर आपको इसका टॉप या बॉटम देखना है तो यहां पर सेलेक्ट कीजिए, बैक देखना है, फ्रंट देखना है, आप जिस तरह से उसका व्यू पॉइंट रखना चाहते हो आप रख सकते हो। मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं और आपको उसी व्यू में वो हमेशा देखना है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मुझे इसी व्यू में मेरा लोगो या फिर ये डिज़ाइन जो है वो हमेशा देखना है, तो मैं ये व्यू सेव भी कर सकता हूँ। सेव करने के लिए मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ ऑप्शन है सेव का, तो मैं इसे सेव करता हूँ ओम नाम से। तो अब मान लीजिए मैं चेंजेस भी इसमें करता हूँ कुछ ऐसे ऐसे, तो भी मैं वापस उसी व्यू पॉइंट पे जा सकता हूँ यहाँ पर ओम पर क्लिक करके। आ गया, कूल। अभी यहाँ पर देखिए सिर्फ हमारा लोगो यहाँ पर मूव हो रहा है, मुझे बैकग्राउंड भी मूव करना है एक साथ, बट वो कैसे पॉसिबल है? तो देखिए सिंपल सी बात है, लेयर पर जाइए, इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए और कहिए मर्ज लेयर्स। मर्ज लेयर्स करते ही यहाँ पर इस तरह से ये मर्ज हो जाता है, बट 3D पर क्लिक करने के बाद आप उनको अलग अलग सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। देखिए ये बैकग्राउंड, उसे भी आप मूव कर सकते हैं, बट इन दोनों को एक साथ कैसे मूव करें? अब तो ये मर्ज हो चुके हैं, तो देखिए बाकी जो साइड में सरफेस है उस पर क्लिक कीजिए, इस तरह से येलो लाइन आपको नजर आएगी, इसका मतलब है पूरा सरफेस, पूरा 3D स्पेस सेलेक्ट हो चुका है। और अब हम एक साथ उन दोनों को इस तरह से रोटेट या स्केल या व्हाटएवर जो भी है हम कर सकते हैं। अभी मेरा जो लोगो है वो क्रॉस हो गया है सरफेस के पीछे से, देखिए यहाँ से कट होके बाहर आ रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा सामने लेता हूँ। देखिए अब ऐसे वक्त में ये जो व्यूज़ होते हैं वो काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करंट व्यू पर क्लिक करता हूँ और कहता हूँ टॉप, तब देखिए पूरा मेरा लोगो क्रॉस हो चुका है, तो इसे अब मैं सही करूंगा। यहां पर आने के बाद देखिए रोटेट करने का ऑप्शन है, सीधा हो गया, मैंने इस तरह से इसे सरफेस पर लगा दिया और इस तरह से मैंने सीधा कर दिया। ये येलो जो आपको लाइंस नजर आ रहे हैं या फिर सर्कल्स आ रहे हैं वो रोटेट करने के लिए काम आते हैं। अभी भी ये थोड़ा सा क्रॉस है, तो मैं कोशिश करूंगा उसे अलग अलग एंगल से अच्छे से एडजस्ट करने की। अब देखिए मैंने रोटेट का ये वाला पॉइंट पकड़ लिया है और मैं रोटेट कर रहा हूँ, एंड ये थोड़ा बेटर है पहले से। वर्टिकली रोटेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, अब मैं यहाँ पर रख देता हूँ और अब मैं व्यू चेंज करता हूँ। व्यू चेंज करने के लिए करंट व्यू पर आता हूँ, कहता हूं डिफॉल्ट, चेक करते हैं, अब ये अच्छे से फिट हो गया है उस बैकग्राउंड के साथ। सो सिंपल सी बात है, दोनों को एक साथ आपको मूव करना है, साइड में सरफेस पर क्लिक कीजिए, इस तरह से रोटेट कीजिए, मूव कीजिए। और अगर आपको ऑब्जेक्ट्स को मूव करना है तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, ऊपर की तरफ जाइए, देखिए मूव टूल है, उसे लीजिए, सेंटर में लाइए या फिर ऊपर नीचे जैसे आपको लगता है कीजिए, रोटेट करना है रोटेट कीजिए। बैकग्राउंड को अगर आपको मूव या रोटेट करना है तो बैकग्राउंड सेलेक्ट कीजिए और मूव कीजिए। जब आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शंस आपको और नज़र आते हैं जो आपको ट्राई कर लेने चाहिए, इन पर एक्सपेरिमेंट आपने करना चाहिए, जैसे कि मैश है या फिर ये वाला ऑप्शन है। तो इसमें क्या होता है कि आप पर्सपेक्टिव में आपका जो एक्सट्रूड ऑप्शन होता है उसे इस तरह से चेंज कर सकते हैं या फिर उसे रोटेट कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सपेरिमेंट करने जैसी चीज़ें हैं, मेरा सजेशन है आप ज़रूर इनको ट्राई करके देखिए। फोटोशॉप के इन 3D फंक्शंस को इस्तेमाल करते करते फोटोशॉप कभी कभार बहक जाता है, कुछ भी करने लगता है, अजीब सी चीज़ें ये आपको दिखाने लगता है, अटक जाता है, कभी कभार कुछ भी आपको यहाँ पर नज़र आता है कम्प्लीटली, मान लीजिए इसमें कुछ भूत वूत घुस जाता है तो हो सकता है आपका हैंग हो जाए, क्रैश हो जाए, तो थोड़ा सा पेशेंस वहाँ पर रखिए, थोड़ी देर वेट कीजिए क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं।
थोड़ा सा वेट कीजिए, हो सकता है अच्छा हो जाए या फिर फाइनली जिसको जाना है तो जाके रहेगा, होनी को कौन डाल सकता है, अभी मेरा क्रैश हो गया था। एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ के कुछ फंक्शंस के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो आप ये एक एक ट्राई करके ज़रूर देख लीजिए, बहुत काम की चीज़ें हैं, पता नहीं कौन सी चीज़ आपके कब काम आए, तो बेटर है आप ज़रूर इन्हें ट्राई कर लीजिए। अगर आप लाइंस पर काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो सीन में जाइए, जो लोग ऑलरेडी 3D सीख चुके हैं उनके लिए शायद ये काम की चीज़ होगी, तो इसे भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड जो एक कंसेप्ट होती है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी टेक्स्ट पर। वो करने के लिए आपको सिंपली करंट व्यू में जाना है, ये जो डेप्थ लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। तो देखिए ये जो ब्लर हो रहा है तो वो डेप्थ क्रिएट करता है, ताकि जिस चीज़ पर हम फोकस करना चाहे या फिर जो चीज़ हम ज़्यादा उठकर दिखाना चाहे वो दिखा सकते हैं। मॉकअप्स में आपको कई बार ये इफ़ेक्ट नज़र आया होगा और ये इफ़ेक्ट यही है डेप्थ ऑफ फील्ड का। इसका डिस्टेंस वगैरह आप मैनेज कर सकते हैं, कितनी मात्रा में आपको ये ब्लरीनेस या फिर ये इफ़ेक्ट चाहिए ये आप डिफाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस आप यहाँ से मेंटेन कीजिए लाइक दिस। अभी देखिए ये किस तरह से मूव हो रहा है। जब ये कोई लंबा चौड़ा टेक्स्ट होगा, वाइट टेक्स्ट, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ये डेप्थ ऑफ फील्ड उसी के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर फोकस ज़्यादा दिखाना है, चलिए रेंडर करके मैं देखता हूँ। इतना एरिया में क्लिक करके कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और आर प्रेस करता हूँ, देखते हैं कैसे दिखता है। देखिए थोड़ा सा लाइटली इफेक्ट हमें आ रहा है, इस साइड का जो है बहुत शार्प है, इस तरफ थोड़ा सा ब्लरीनेस है, तो वो एक इफेक्ट आ रहा है। ट्राई करके देखिए आपको समझ में आ जाएगा। कंट्रोल जेड करता हूँ तो मुझे फिलहाल डिस्टेंस और डेप्थ की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा रहा था। अब आती है बारी टेक्सचर्स की। तो इस लोगो पर अगर मुझे कोई टेक्सचर देना हो या फिर मटेरियल जिसे 3D में कहा जाता है, कोई मटेरियल इसमें प्रोवाइड करना हो तो मैं कर सकता हूँ, और वो करने के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मटेरियल्स है वो ट्राई करता हूँ। अभी देखिए ये जहाँ पर क्लिक करने के बाद भी कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, ये जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मिलके बना हुआ है, तो हमें ये जो कुछ भी मटेरियल्स है वो सारे इन लेयर्स पर, इनके प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई करने होंगे, तब ये थोड़ा बहुत चेंजेस हमें नज़र आएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, शिफ्ट प्रेस करते हैं और सारे सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम चेंज करके देखते हैं। अब देखिए मुझे सामने नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और सिर्फ सामने वाला छोड़ देता हूँ, और सामने वाला छोड़कर मैं मटेरियल पीछे की तरफ अप्लाई करता हूँ। बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल हैं यहाँ पे, वैसे ये डाउनलोड करने के लिए भी मिलते हैं, अगर आप 3D मटेरियल या फिर टेक्सचर अगर आप सर्च करें नेट पर तो आपको मिल जाएंगे। अब ये यहाँ पर गंदा लग रहा है, बट जब आप इसे रेंडर करते हैं तो इसका ये इफ़ेक्ट आपको अच्छी तरह से नज़र आने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो रहा है ओके, तो अब ये गोल्डन सा इफ़ेक्ट यहाँ पर आ गया है देखिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट होता है नो टेक्सचर वाला, आपको अगर कोई इफ़ेक्ट वगैरह नहीं चाहिए तो नो टेक्सचर कर दीजिए। यहाँ पर मैं ये मेटल वाला ट्राई करता हूँ, देखते हैं क्या है। तो मैं करता हूँ सेलेक्ट ओके, तो एकदम चांदी जैसा वगैरह ये मेरा लोगो हो गया है, भरा हुआ चांदी का प्योर उस तरह का। तो ये सारे जो मटेरियल है वो आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं, इनके कलर्स में, इनके शाइनिंग में, इनके रिफ्लेक्शन में भी आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। शाइन यहाँ पे है, रिफ्लेक्शन यानी कि सरफेस का रिफ्लेक्शन। अब सरफेस कितनी मात्रा में आपके ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कीजिए लाइक दिस। मैं करता हूँ 46, करते हैं रेंडर। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये जो वुडन का टेक्सचर है वो उस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर ये ज़्यादा होता उसकी शाइन, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो मैंने फिर से चेंज किया है। अब देखिए इफ़ेक्ट आपके सामने है, ये बिल्कुल प्योर चांदी की तरह नज़र आने लगा है, और उस पर ये नीचे वाला जो वुडन सरफेस है वो रिफ्लेक्ट होने लगा है।
सो ऐसे ही मटेरियल में आप चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं आपके ज़रूरत के अनुसार। तो गाइज अब बारी आती है लाइट्स की। तो लाइट्स ऐड करने के लिए आप यहाँ से ये जो बल्ब का आइकन है वहाँ से लाइट्स ऐड कर सकते हैं। अभी जो लाइट यहाँ पर अवेलेबल है वो है इन्वायरमेंट लाइट जो कि यहाँ पे नज़र आता है, लेकिन अगर आप चाहे तो आपके मर्जी के अनुसार यहाँ पर लाइट्स ऐड कर सकते हैं। तो लाइट में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं इन्फिनिट, स्मार्ट और पॉइंट। शुरू करते हैं इन्फिनिट से। इन्फिनिट लाइट यानी कि सनलाइट, सूर्य किरण। आप आपके ऑब्जेक्ट पर लाइट कहाँ से देना चाहते हैं ये यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। मेरे ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट्स खास यहाँ पर ध्यान दें, देखिए कास्ट शैडो और लाइट्स किस तरह से मूव हो रहे हैं। इन्फिनिट लाइट का काम यही है, आप किसी ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट सूर्य किरण टाइप की लाइट गिरा सकते हैं। अभी यहाँ पर इन्वायरमेंट लाइट ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं इसे ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के लिए इन्वायरमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ और ये IBL नाम का जो ऑप्शन है उसे मैं अनचेक करता हूँ। अब आपकी जो लाइट है वो बहुत हार्श हो जाएगी, डायरेक्ट सनलाइट। अगर ये निकाल दिया जाए तो ऑब्वियसली लाइट रहेगी ही नहीं। तो इन्फिनिट लाइट सूर्य किरण, सिंपल सी बात है। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल शैडोज़ आप मैनेज कर सकते हैं कैसे दिखेंगे, इस इन्फिनिट लाइट का कलर आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद है पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट का फ्रीडम ये है, मान लीजिए आपके हाथ में एक बल्ब है तो आप वो बल्ब जहाँ कहीं ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। सनलाइट की तरह एक जगह पर वो फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल अभी ये यहाँ पर है, देखिए लाइट बहुत दूर है, यहाँ पर है। अगर मैं चाहूँ तो ये ऑब्जेक्ट के नज़दीक ले जा सकता हूँ इस तरह से। अभी ऐसे लाइट्स को सेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप व्यू पॉइंट सबसे पहले टॉप कर लीजिए। अब आपको समझ में आएगा कि लाइट एग्जैक्टली कहाँ पर है, अदरवाइज वो समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा जूम आउट कीजिए और फिर लाइट जो है आप एडजस्ट कीजिए और फिर जो व्यू आप देखना चाहते हैं देखिए। सी, मानो हमारे हाथ में कोई बल्ब है और हम इस ऑब्जेक्ट के आसपास उसे घुमा रहे हैं। तो ये है पॉइंट लाइट का काम। उसके बाद है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट जो स्टेजेस पे हम लोग देखते हैं, परफॉर्मेंस हो रही होती है, किसी स्पेशल कैरेक्टर को अगर फोकस देना हो तो स्पॉटलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो लाइट यहाँ पर है। आप आपका स्पॉटलाइट इस तरह से मूव कर सकते हैं। यहाँ पर हैंडल्स है, एक्सिस इनका डिफाइन कीजिए, आपका स्पॉटलाइट एडजस्ट हो जाएगा। आप अगर इन्वायरमेंट लाइट चालू करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, IBL ऑन कर दीजिए और अच्छा वो दिखने लगेगा अगर ज़रूरत है तो। ये 3D के फंक्शंस आपको अच्छी तरह से मैं समझा सकूँ इसीलिए मैंने यहाँ पर जानबूझकर लो रेजोल्यूशन फाइल का इस्तेमाल किया है। ये फाइल जितनी हेवी होगी आपका कंप्यूटर उतना ही हेवी होगा, रेंडर होने में उतना ही वो वक्त लेगा, लेकिन मैं बस आपको हर एक फीचर अच्छे से समझाना चाहता था इसलिए मैंने ये लो रेजोल्यूशन फाइल यहाँ पर ली है। लाइट आपको कितना स्मूथ चाहिए या हार्ड चाहिए ये आप इस लाइट फॉल ऑफ से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर जो एजेस वगैरह नज़र आ रहे हैं या फिर थोड़ा सा पोअर क्वालिटी नज़र आ रहा है उसकी चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि रेंडर होते टाइम पे वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्लैट सरफेस है, लेकिन अगर आप और इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सिलेंडर बनाना चाहते हैं या फिर किसी कोन में बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप के कुछ प्रीसेट्स हैं जो आपको 3D ऑप्शन में मिलेंगे। न्यू मेश फ्रॉम लेयर, मेश प्रीसेट, और यहाँ पर देखिए कोन, सिलेंडर, क्यूब, डोनट, बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्राई ज़रूर कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पर कोन करता हूँ तो देखिए क्या होता है, जो मेरा बैकग्राउंड था वो एक कोन में यहाँ पर आ चुका है। तो ये थोड़ा सा वियर्ड है बट ट्राई ज़रूर कीजिए, हो सकता है आपके कभी ना कभी ये काम ज़रूर आए। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसको मूव करने के लिए मैंने यहाँ से मूव टूल लिया है, रोटेट करना है तो यहाँ से लूँगा। जितने भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो भी लाइट्स वगैरह हम लोग ऐड करते हैं,
उनको एडजस्ट करने के लिए ये ऊपर वाले ऑप्शन आपके बहुत काम में आते हैं। अगेन 3D जोक नहीं है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, तभी जाके आपको ये बातें अच्छे से समझ में आएगी। अब चलिए मान लीजिए मैं इस आउटपुट से सहमत हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है और अब मुझे इसे हाई क्वालिटी में रेंडर करना है। तो रेंडर करने के लिए आपको एडिट में जाना होगा, प्रेफरेंस में जाना होगा और 3D सेटिंग्स जो है उन्हें ओपन करना होगा। हाईएस्ट क्वालिटी में अगर आप रेंडर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन सेटिंग्स का इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जांपल वेरी हाई, रे ट्रेसर हाई रखिए, 5 भी ठीक है बट अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं। रेंडर टाइल साइज एक्स्ट्रा लार्ज, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स होते हैं, ये सेटिंग्स मेरे पीसी के अनुसार सही है। हो सकता है आपका पीसी थोड़ा सा लो कॉन्फ़िगरेशन का हो, तब आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स तब काम में आते हैं जब आपको आपकी फाइल एक्सपोर्ट करनी होती है, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। तो मैं करता हूँ ओके और अब मैं इसे रेंडर पे लगाऊंगा और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो रेंडर होने के बाद कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। डेफिनेटली ये उतना अच्छा नहीं है बिकॉज क्या होता है, जब हम लोग कुछ सिखाते हैं तो हम लोग डिज़ाइन नहीं बना सकते और जब डिज़ाइन बनाते हैं तो सिखाते नहीं हैं। यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करने थे 3D के फीचर्स, टेक्निक्स, लाइट्स एडजस्ट करना, ये सारी बातें, इसलिए मैं यहाँ पर डिज़ाइन पर फोकस नहीं कर पाया। बट डेफिनेटली आने वाले एपिसोड में मैं डिज़ाइन पर फोकस करूँगा और दिखाऊँगा कि 3D का इस्तेमाल करके हम और क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये फाइल सेव करनी है तो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और एस। अब यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं आपको JPEG करना है, PNG करना है या फिर GIF वगैरह, और इनकी क्वालिटी वगैरह आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अब ये रेंडर हो चुका है तो क्वालिटी के साथ छेड़खानी मत कीजिए, जस्ट सेव कर दीजिए। ये आ गया। अब अगेन हम फोटोशॉप में ले जाकर इसको क्रॉप कर सकते हैं।